नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजा पटेरिया को लेकर इन दिनों चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत हुई जब राजा पटेरिया ने पवई में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने वाला विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा आक्रामक है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। कमलनाथ ने भी नाराजगी जताई थी और 12 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें कांग्रेस कमेटी ने उनके बयान को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना और 3 दिन में जवाब देने और उसके बाद संतोषजनक जवाब न मिलने पर कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से निष्कासित किए जाने की भी चेतावनी दी। कारण बताओ नोटिस के जवाब में राजा पटेरिया ने एक माफीनामा लिखकर भेजा। राजा पटेरिया ने अपने पत्र में लिखा कि मोहनदास करमचंद गांधी का अदना अनुयायी और सच और साहस का सिपाही मैं राजा पटेरिया कहना चाहता हूँ। ये जो सत्य अहिंसा से लोगों के उत्थान का संघर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस के यशस्वी कमलनाथ के नेतृत्व में कर रहे हैं, एक वैचारिक लड़ाई है। ये संघर्ष गांधी और गोडसे का संघर्ष है। एक वक्तव्य में ऐसा प्रतीत हो गया जैसे व्यक्ति और विचार एक नाम हो जाते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि FIR या किसी दबाव के चलते नहीं, सिर्फ अपने इश्क मेरे गांधी के विचारों की रक्षा के लिए मैं अथवा कांग्रेस पार्टी किसी हिंसा, किसी भी किस्म की हिंसक अथवा वैमनस्य भावना का न समर्थन करते हैं और न कभी करेंगे। किसी को ऐसा आशय मेरी बातों से लगा हो तो माफ़ किया जाए, मेरा ऐसा कोई अर्थ नहीं था। राजा पटेरिया ने अपने बयान पर माफ़ी मांगी है, लेकिन पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि PM मोदी के हत्या वाले बयान पर उन्हें अफसोस है। वहीं दूसरी ओर उन्हें मिले नोटिस की समय सीमा भी आज खत्म हो रही है और आज ही उन पर कार्यवाही भी संभव मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का कोई भी नेता उनके साथ नहीं खड़ा है। केवल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ही उनके साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं।